गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आज जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, उसके यहाँ कीर्तन गाजीबाद वाली के यहाँ। तो ये देखिए, मैंने नाश्ते में दाल बना दी है, चावल बना दिया खाने में, और गोभी के परांठे बना दिए ताकि हिटलर हस्बैंड जी और मेरा बेटा पीछे से खा सके। तो मैं और दीक्षा जा रहे हैं। तो फ्रेंड जी, मैंने पहनी है साड़ी, जा रहे हैं कहाँ? गाजीबाद वाली मौसी के। क्या काम आज? कीर्तन है आज उनके यहाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है जाओ। हाँ शाम ही हो जाएगी, दूर है ना। और क्या? नहीं मैं तो फिर अम्मा जब सास देगी 10,000 तभी लाएंगी, नहीं तो फिर मैं वो लटके झुटके ही पहनूंगी शादी में। अम्मा दे 10,000, तो कैसी लगाई है? 10,000 दे दो, भाव भी खुश हो जाएगी। हाँ 10,000 दे दो, भाव भी खुश हो जाएगी। चलो 1,000 रुपए दे दूंगी। 1,000 रुपए में ब्लाउज की सिलाई 2,000 है, ये कुर्ते लटका दी। अम्मा मार करेंगे तुम्हें ये लोग। हाँ? मार गिरेंगे तुम्हें। मैं इनकी महकाई भी थोड़ी हूँ। 2,000 रुपए ब्लाउज की सिलाई है, तुम साड़ी 1,000 रुपए दोगी? अम्मा चलो 5,000-5,000 दे देना दोनों को। 5,000 में मेरा आवर दोनों बहुओं को 5,500 दे देना। मेरे दो रहोगे जब दूंगी पोती को देने के लिए, अम्मा के पास बहुओं के लिए नहीं है। पूरी मार्केट में आ गई है, मौसी घर जा रही है, टैग नहीं उतरा इसका। मम्मी गाड़ी में ही हूँ अभी। गाड़ी में ही हूँ, शर्म तो आती नहीं है दीक्षा। मैं पूरी गली से निकल के आई है। तू पता है क्या हो गया? मेरे पूरे बाल खुले थे इसलिए किसी को नहीं दिखा होगा। ये देखिए टैग। चलो फ्रेंड्स पूरी बेकर्स चलते हैं और लेते हैं कुछ। पूरी बेकर्स से हमने लिया है ये, और यहाँ पे आते ही सुबह सुबह सब कुछ फ्रेश लग रहा है, तो चलो फटाफट से ही लेते हैं और फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ले लिया है पूरी बेकर्स से सामान, और अब हम ले रहे हैं बंसल से 1 किलो मिल्क केक। आ गए बंसल वाले के, और यहाँ पे सब कुछ प्योर देसी घी मिलता है। तो चलिए फटाफट से मिल्क केक पैक कराते हैं। मिल्क केक कर दो। कहाँ से बिलिंग? उधर से। ये इतनी 56 छुरी बन के कैसे जा रही है तू? बहन तेरा मुकाबला नहीं है क्या? कितनी 56 छुरी बन जाऊंगी? हे भगवान, तू तो आज उड़ के चल रही है। हाय हाय, राम लग गए तुझे तो। हाँ राम लग गए। अच्छी लग रही है, बताओ। साड़ी तो मैं सारी अच्छी पहनती हूँ। मास्क का है? मास्क ये रखा हुआ। मास्क ही कैरी नहीं करती। कभी ये नहीं कि 30 त्योहार पे एक आधी इधर भी सरका दे साड़ी, गिफ्ट दे दे बहन को भी। बहन ने छोड़ दी थी पहननी। और पहने की बात नहीं, मैं ना पहनू गिफ्ट तो तेरा फर्ज बनता है, दे दे एक आधा। ठीक है अब गिफ्ट दिया जाएगा। बहन अब तू छोटी बहन की चलती टंकर के कीर्तन में। तो जब बहन ने बुलावा दिया है तो जाऊं? नहीं मुझे तो लगता है तेरे कोई बुलावा आया है। कार्ड आया है, फोन देख ले मेरा। बेचारी बहन के फ्रेंड दुर्घटना हो गई है, फोन टूट गया इसका। पर देवता देवती आते हैं तो वो पटक पटक मारते हैं, फोन पे ही टूटे रहते हैं। तो अब गया फोन। तो अब ये जो झूठ सच कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि फोन ही नहीं है। तो हमें क्या पता कार्ड आया नहीं आया। बहन से पूछ रहा हूँ, उससे कार्ड दिया है कि नहीं दिया मेरे को। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं गाजियाबाद। आप लोगों को बताया था मकान का एड्रेस, तो पहुँच जाना वहाँ कीर्तन में। मस्ती मारेंगे और नाचेंगे कूदेंगे डांस करेंगे वहाँ पे। बहन कुछ खाने को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैं बहन से पूछी थी। तो बहन तो इतना माल पानी खिलाती है, तो कह रही थी टिफिन लगा लियो। मैंने कहा बड़ी से पूछा तो टिफिन लगा लियो, छोटी से पूछा टिफिन। तो मैंने कहा मैं झुंझुना लेने आ रही, मैं अपने घर में ही ना रह जाती फिर। जब मैं टिफिन लगा लगा के तुम्हारे घर आऊंगी तो जो हमें बनाना है वो तुझे खाना नहीं है भैया, तू बना ला, हमारे साथ खा लियो, हम भी खा लेंगे तेरे साथ, हम भी टेस्ट करके देखें स्पेशल क्या खाती है ऐसा। तेरी तरह चखनी चखूंगी ना बहन, मैंने तो बच्चे का नहीं के लिए। अच्छा सही है। पता नहीं कहाँ घूम रहे, ऐसा लग रहा है 3 घंटे से मैं गाड़ी चला रही हूँ। अरे ये दिसने के चक्कर में हुआ है सब कुछ, मेरे पीछे लग गई। सने के चक्कर में, सने के चक्कर में हुआ है वो। 3 घंटे से गाड़ी चला रही है, कहाँ घुमा रही है मुझे नहीं पता, मैं तो चिट्ठी खा रही हूँ बैठी बैठी। बहन हमारा 9 बजे प्रोग्राम था निकलने का, मैं 9 बजे रेडी थी, तू 11 बजे तक तेरी काम वाली है, तू झाड़ू पोछे रगड़ रही। जब काम वाली नहीं तो मैं क्या करूँ? मासी घर छोड़ देती, और मेरे को तो आना ही था, तो मैं तो 10 बजे तैयार हो गई। तेरी औलाद ही 3 घंटे से गाड़ी घुमा रही है, तू रहने दे। हाँ 9 बजे के हम दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठे हुए हैं। रास्ता पता नहीं तुम्हें, 9 बजे से गाड़ी घुमा रहे हो, रास्ता पता नहीं जाना। 1 बजा दिया, भूख के मारे मेरा चक्कर भी आ रहा है, सर घूम रहा है। हाँ
वहाँ जाके अब कीर्तन शुरू हो जाएगा, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। मैं तो फिर दो परांठे खा के आई हूँ। मैंने सोचा था जाते ही वहाँ जिम लूंगी, फिर कीर्तन में नाच लूंगी, फिर खा लूंगी। अब मेरा तो पहले वाला तो अब नाचने के बाद ही कुछ मिलेगा। इस बारे मैं तो पहले फूल होके आई हूँ, मुझे पता था रास्ता, पता नहीं ये माँ बेटी घुमाई जाएगी। आगे से तो आई हो फिर ना मेरे साथ में, हम ऐसे ही घुमाएंगे माँ बेटियाँ। मैं तो चिट्ठी खा रहे हैं, अच्छा गाड़ी में बैठू जब वहाँ बैठू। हाँ चिट्ठी खाना है। तेरी चिट्ठी के चक्कर में हो रहा है, चार घंटे हो गए वेस्ट। चिट्ठी चिट्ठी फ्रेंड देखो, इसको चिट्ठी खाने की पड़ी हुई है, सारा टाइम वेस्ट कर दिया। 9 बजे से मैं ये सारा लपेट के बैठी हुई हूँ। बहन मैं भी बैठी थी, फोन आया काम वाली नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ, काम वाली नहीं आ रही। हाँ स्टार्ट हो गया, अब इतनी लेट आये हो, तूने लेट कर दिया। घुमा जा रही गाड़ी, पर्स कहाँ मेरा? मम्मी मोस्टली का एटीट्यूड। 9 बजे के मैं तैयार बैठी हुई हूँ, खुद घूमे जा रही है। गाड़ी घुमा दो, अरे खोल लो ना ऐसे, मम्मी घुमा के खोल लो, आप लोग भी एक घंटा ले। सगाई में तो वो नाचे नहीं हमारे साथ में, भजन पे नाचते हैं।
बहन चल जल्दी स्लिम ट्रिम हो जाएगी तो आराम से पहुंच जाएगी चार दिन में। बहन मुझे स्लिम ट्रिम नहीं होना, होना तो कब की हो जाती। चलो जल्दी एक्सपर्ट्स
ये कभी बच्चों की शादी में भी आ रहे मौसी की भैया भीड़ थी, मैं कैसे आती फ्रेंड। मैं चख रही हूँ ये अच्छा बना है कि नहीं बना। आप ऑलरेडी चख चुके हो मौसी, अंदर आपको पकड़ लिया था मैंने। खाऊंगी बात है, ले लीजिए मौसी, टेस्ट आए ना ये मौसी पहले होती है जम्मी। अरे एक रंदे अरे लो ना मौसी, लो ना और मत दियो, पहले कर ले क्या मौसी, मौसी आप आराम से चख लो। वो सारी देर मेरी बहन के पीछे पड़ गए, कुछ काम नहीं है तुम्हें, सारी देर उसके पीछे पड़ गए। सो फ्रेंड्स, इधर सारा भर रहा है चावल छोले भंडारे के लिए, और मौसा जी का काम है चावल का, तो चावल लेके जा रहे हैं, छोले लेके जा रहे हैं भंडारे के लिए। और भंडारा है 14 अक्टूबर का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो 14 अक्टूबर का भंडारा आप लोग आ सकते हैं, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। और जो भी एड्रेस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 14 अक्टूबर जो जो आना चाहता है आप लोग जरूर आइएगा। सो फ्रेंड, स्वीट मॉम का लहंगा आ गया है। जा भी पब्लिसिटी मत कर, मेरी किस्मत में वैसी अच्छी नहीं है, पर देख लूं कैसा आया है। आज यहाँ पर प्रिया सेम सेम क्यों लग रहे हो कलर कॉम्बिनेशन से? इसने मेरी नकल की है, मैं तो सुबह 4 बजे की साड़ी पहन के बैठी हुई हूँ, ये नहाई होगी 2 बजे। सारे काम तो मैं कर देती हूँ ना, आज मैं थी नहीं, आप तुझे करने पड़ गए। तो होगी अपने आप ही, जब तुम किसी की जिम जाओ फिर फटाफट हाथ में लगाना किसी भी चीज को। ये आप कह, ये क्या है, ये आपने मेरे लिए निकाल के रखी हुई है? मैं तो नहीं निकाली, ये मेरी बहन ने मेरे लिए दिया, मैं खाऊंगी बैठ के। चाची झूठ। क्या झूठ, ये मेरे लिए है ना, तेरा तो व्रत है ना, व्रत में कुछ नहीं खाते है। जा, व्रत की नहीं है, व्रत की कौन सी चीज होती है, व्रत क्यों रखते हैं लोग के कुछ खाए ना। जा, व्रत नहीं होता कि एक बार खाना चाहिए, जो लोग बार बार बस खाते रहे वो सिर्फ मौज के लिए खाते हैं। अब तुझे ले जाना है तो ले ले, क्यों ड्रामे कर रही है? ये लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, ये देखो फ्रेंड्स। चाची झूठ मत बोलो, ये देखो पूरा थाल लगा लिया, मेरी बहन के घर से मिला था, और ये पूरे लड्डू का पैकेट उठा लिया। आपका फास्ट तो है नहीं, तो क्या हो गया, मतलब मैं खा नहीं सकती अगर मेरा फास्ट नहीं है तो? आप पर जिनका फास्ट है उनको देना चाहिए, जैसे मैं। पुण्य मिलेगा। हाँ
पुण्य बहुत कमा लिया मैंने, अब मैं छोड़ दिया मैंने पुण्य कमाना। नहीं नहीं कमाना चाहिए, इतना पुण्य कमा कमा के मुझे कुछ नहीं मिला, अब छोड़ दिया मैंने। अब क्या मेरे को ऊपर चौड़ियों में जाके मिलेगा, जब अभी तक ही नहीं भगवान ने दिया तो ठीक है। जाओ अब ले जाओ निपटो, हमें शरीफा खान दो, हमें ये प्रसाद गोद में मिला है, हमें खाना ही है। फ्रेंड्स आज पता कीर्तन में क्या हुआ, प्रसाद दे रहे थे वो झोली में सबकी, तो मैं दुआ बना दी ये शरीफा मुझे ना मिले, मैं खाते नहीं हूँ, और फ्रेंड ये शरीफा ही मुझे मिल गया। देखा भगवान की करनी, हाँ वो तो बहुत बुरा टाइम था फ्रेंड। पहले क्या था, जब हमारे पास क्राइसिस थे बहुत ज्यादा, तो पता नहीं किसके यहाँ कीर्तन था, सिस्टर के यहाँ था, पता नहीं भाई के यहाँ था, मैं गई तो वहाँ आम की पेटियाँ लगी थी, बहुत अच्छे आम थे प्रसाद के लिए, लेकिन एक आम उसमें सड़ा हुआ था। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा वैसे ही टाइम खराब चल रहा, पता नहीं ये आम मेरे भाग में, और सच में फ्रेंड्स वो मुझे मिल गया सड़ा हुआ। तो आप सोचिए क्या होगा।